टोंक जिले में हुई तेज बारिश से लगातार ईसरदा बांध में पानी की आवक बढ़ने से ईसरदा बांध ओवरफ्लो हो गया। बांध के 3 गेट खोल दिए गए जिससे लगातार बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। ईसरदा बांध से बनास नदी में पानी छोड़ने के चलते बनास नदी में अचानक से पानी की आवक बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि ईसरदा बांध के 3 गेट से पिछले 12 घंटे में 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ऐसे में बनास नदी की देवली, डिडियाच तथा इंचेर बगीना रपट पर 3 फीट पानी बह रहा है, जिसके कारण चौथ का बरवाड़ा से शिवाड़ मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। बिना सूचना के ईसरदा बांध में पानी छोड़ने से बड़ी संख्या में यात्री नदी के दोनों ओर फंस गए, जिन्हें वापस लौटना पड़ा। करौली जिले में लगातार 5 दिन से सक्रिय मॉनसून के चलते बारिश का दौर जारी है। झमाझम बारिश के चलते जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी जलभराव की शिकायतें मिल रही हैं। आज तड़के हुई तेज बारिश के चलते लांगरा क्षेत्र के बुगडार सहित अन्य गांवों में जलभराव हो गया। जलभराव के चलते ग्रामीणों को आवागमन सहित कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव से कई मार्ग अवरुद्ध हो गए। लांगरा क्षेत्र के बुगडार गाँव से वामनपुरा, कहारपुरा, डंगरिया, डगर वाले हनुमान मंदिर तक आवागमन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पंचायत प्रशासन ने कहीं कहीं छोटी पुलिया बनाई है, लेकिन तेज बारिश में पुलिया के ऊपर से 3 से 4 फीट बारिश का पानी भरने से रास्ता बंद हो जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि ये समस्या कई वर्षों से बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि डंगरिया वाले हनुमान मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं, जिससे उन्हें भी परेशानी का सामना करना होता है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों से समस्या समाधान की मांग की है। रास्ता में पानी भरा हुआ है, इसमें क्या है, पुलिया निर्माण होने चाहिए थे, ग्राम पंचायत ने कोई ध्यान नहीं दिया। हर समय जब बरसात आती है तो लोगों के लिए आने जाने में परेशानी आती है, और कोई डिलीवरी विलीवरी हो तो वहाँ में भी प्रॉब्लम आती है, रास्ता जाम हो जाता है बरसातों के टाइम में। ना तो लांगरे को निकल जाए, ना गांव को निकल जाए, छोटी पुलिया बन रही है, साधन निकल नहीं पाए, ना मोटरसाइकिल निकले, जब निकले तो कोई दुर्घटना भी हो सके। अलवर की रैनी में देर रात आई बारिश के बाद चिल्कीबास, भोपान की ढाणी, खड़गपुर क्षेत्र की बस्ती के निकट जल भराव हो गया। जल भराव के कारण आवाजाही बंद हो गई, वहीं मवेशियों के लिए भी भारी परेशानी बन गई। सड़क निर्माण में खामियों के कारण बारिश का पानी एकत्रित हो गया, जिससे कच्चे मकान गिर गए और खाने पीने सहित घरेलू सामान नष्ट हो गए। मामले में PWD की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। रैनी से चिल्कीबास खड़गपुर सड़क मार्ग निर्माण के दौरान PWD विभाग के द्वारा सड़क में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। PWD के AN हेमंत शर्मा ने बताया कि रैनी क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण जो पानी भर गया, जिसको निकालने के लिए पाइप की व्यवस्था की जा रही है, जिसे जल्द ही निकाल दिया जाएगा। रैनी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जो पानी इसमें भर गया सड़क में, इसको निकालने के लिए पाइप की व्यवस्था की जा रही है, और ये पानी को जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाएगा, जिससे ये भराव क्षेत्र में जो पानी भरा है वो सब निकल जाएगा। राजस्थान में मॉनसून आने के बाद बांधों की सूरत बदलने लगी है। अच्छी बारिश होने पर मरुधरा को भीषण गर्मी से राहत मिली है। 25 जून को प्रदेश में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ के रास्ते मॉनसून की एंट्री हुई। इसके बाद झमाझम बारिश से राजस्थान के बांधों की सूरत बदल रही है। राज्य के बांधों में अच्छी बारिश के बाद पानी की आवक होने लगी। कई बांध तो ऐसे हैं जो ओवरफ्लो हो चुके हैं। जयपुर समेत 4 जिलों की लाइफलाइन बीसलपुर बांध में 24% से बढ़कर 29% तक पहुंच गई, यानी बांध में 14 कस्बे और 3,310 गांवों के लिए 1 महीने का पानी आ गया है।